बेरोजगार आज पूरा हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार हो चुका है। मोदी जी ने जो रोजगार लग रहे थे वो भी उनकी भी नौकरी हटा दी। आप सबको बाकायदा पता है सर, आज बेरोजगार भी रोड पर हैं, किसान अन्नदाता है, उनको ये कहा जा रहा है ये खालिस्तानी है, ये देशद्रोही है, ये वो खुद जाता है और कहता है अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार। कभी वो चौकीदार बनता है, कभी वो चाय वाला बेचने वाला, एक देश को मदारी बना के इसने नाच नचा दिया। तो आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी जो भी आपको पता है झूठ की खान है, वो 15 लाख गरीब के खातों में आज कोई फोन आता है 4 अंकों का, वो दबाओ और 15 पैसे भी नहीं छोड़ता। अगर गरीब आदमी आज अन्नदाता ये पागल है थोड़ी है, 36 बिरादरी पूरा देश की और पंजाब हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पूरे इंडिया का किसान और छात्र संघ, सभी देश के छात्र भी आने लग रहे हैं, अभी उसको पता चल जाएगा पूरा हिंदुस्तान या दिल्ली आ रहा है तो दे उसको समझ लो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये एक ताना सा शासक है, खून खराबा इसका पेशा हो चुका है, कभी गुजरात हो चाहे कुछ, अब ये किसानों से टक्कर लिए है, इसने पता चल जाएगा कि इसकी औकात, ये चाय बेचने वाला नहीं था तो अब चाय बेचनी शुरू कर देगा। लेकिन देश के युवा आज रोजगार देना चाहिए, ये अन्नदाता को भी ये जो काले कानून लगाए बर्बाद करने के लिए, देश को गुलाम बना दिया मोदी जी आपने अडानी और अंबानी का, लेकिन इस देश में चंद्रशेखर भगत सिंह आज भी हैं और वो आ चुके हैं। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने बेरोजगारी किसानों अन्नदाता को आप आरोप लगा रहे हो कुछ, तो एक देश के अगर सच्चे कुछ आप में है कुछ अंश इस देश के हमारे प्रति, गरीबों के प्रति, किसान के प्रति, तो इसमें आप घर के लिए एक नौकरी दो और आर्थिक आधार पर आरक्षण दो और ये खून खराबा बंद करो।